इट्स अ क्वेश्चन नंबर 35. लेट्स सॉल्व इट. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एन अकाउंटेंट फाउंड अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस. देखिए बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है, दैट्स मीन कि अब जो भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वह वन साइड एरर भी मिलेंगी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. गुड्स परचेज फ्रॉम सीव फॉर ₹10,000 बट एंटर्ड इन सेल्स बुक. आपने गुड्स परचेज किया किससे बेटा? सीव से. लिखा कहाँ? सेल्स बुक में. यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट करना था, किया आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट. तो सही करने के लिए क्या? परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सीव. परचेज में बेटा 10,000, सेल्स में बेटा 10,000, सीव में 20,000. सेकेंड देखिएगा, रिसीव अ बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम फॉर रुपीज 18,000 फ्रॉम गणेश बट रिकॉर्डेड इन बिल्स पेबल बुक. अब बेटा सही कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गणेश 18 और 36. देखिए बेटा, बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ तो वो डेबिट होता है, आपने रिकॉर्ड कर दिया पेबल में यानी कि क्रेडिट कर दिया, अब उसको भी आप करोगे डेबिट, और टू गणेश 36. थर्ड, एन आइटम ऑफ ₹4,000 रिस्पेक्ट ऑफ द परचेज रिटर्न रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. आपने क्या किया? गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट किया. सही करने के लिए क्रेडिट करेंगे, ठीक है, तो परचेज रिटर्न भी क्रेडिट हो जाएगा अपना, ठीक. और अब बात होती है कि सर डेबिट कौन होगा, तो बेटा बड़ा सिंपल सा आंसर होगा इसका, बड़ा सिंपल सा आंसर ये होगा बेटा कि सस्पेंस अकाउंट. तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है. नेक्स्ट, एन आइटम ऑफ ₹2,000 रिलेटिंग टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड. आपने उसको लिखना ही बेटा क्या कर दिया? भूल गए. तो प्रीपेड सैलरी एक एसेट होती है, ठीक है, प्रीपेड जो है वो एसेट होता है, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. लास्ट देखते हैं, पेड ₹1,000 ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर ऑफ फर्नीचर बट रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट. बेटा वो एक्सपेंस है रिपेयर का और आपने डेबिट किसको किया? फर्नीचर को. तो सही करने के लिए क्या करेंगे? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1,000. ये था सॉल्यूशन बेटा 35 का. दैट्स ऑल.